जलाते हैं कि इस कलयुग से पहले मानव शिक्षित नहीं था और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रही थी। अब शिक्षित है लेकिन चैन किसी को नहीं, माया की अवस इतनी बढ़ गई, इसका कोई अंत नहीं रहा। और माया इकट्ठा करने के लिए कहाँ तक सत्र गिर सकता है जीव के करैक्टर का, इसका भी कोई पैमाना नहीं रहा। शर्म लाज रही नहीं, न्याय रहा नहीं। गांव में पंचायत न्याय कर दिया करती, इतना अच्छा न्याय कर देते थे वो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से, और गांव में एक शांति बनी रहती थी। नगर में ऐसे ही होता था। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि जो अब ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है ये हमारी विनाशक है। परमाणु बम बना लिए, आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति होगी, जहाज बना लिए, धक्के खाते अंडे बता इस जहाज में के अकेला टूट गया। जो संसारिक काल प्रेरणा से जो हमारी सोच है उसके आधार से तो बेशक मानव ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, परंतु मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ये मानस हो चुका है। क्योंकि अब नास्तिकता चरम सीमा पर जाने वाली है, जैसे पूरा चीन राष्ट्र नास्तिक हो चुका है। और यो संयुक्त राष्ट्र जिसको, और ये रूस वगैरह इसका पूरा का पूरा उसका ग्रुप, वो नास्तिक हो गया। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, दो वर्ष वर्षा ना हो परमात्मा दया ना करें, ये जहाज ऋण के हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर है, ये यही खड़े पड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे, तो हमारी यह भूल है। इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। तो उद्देश्य ये है दास का कहने का कि जो शिक्षा परमात्मा ने ये देनी पड़ी अब नहीं, इस शिक्षा का अभी तक परमात्मा ने प्रचार नहीं होने दिया कि पहले से ही नास्तिक हो जाते ये लोग। अब 50% आबादी मनुष्य जीवन मानव आस्तिक रह गया है, और वो पिछले संस्कारवश ही परमात्मा की चाह में भटक रहा है। उसको सही दिशा ना मिलने से ये काल के दूत, ऋषि, महर्षि, नकली गुरु, जिनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इनके जाकर फंस जाते, और वहां से भी अब वो छिक चुके हैं, वहां से भी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि परमात्मा से लाभ उनको मिला नहीं, और वहां भी अब नास्तिकता पनपने लगी है। अब ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है मानव की, बिगड़ने और बढ़ने की। एक बार ये दास पुणे गया था, हमारा एक सेवक है, तो वापस जहाज से आ रहे थे हम दो जने। ज्यों ही हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक नियम है प्रभु का उनके साधना में, जब भी हम सफ़र घर से निकलते हैं या कोई सफ़र गाड़ी में करते हैं या वैसे पैदल चलते हैं या किसी जैसे यान में चले, तो हमने जो ही वायु यान फ्लाइट करने लगे हमने अपना मंगलाचरण शुरू किया। उसी सीट पर तीसरा और बैठा था, वो जब हमने वो अपना मंगलाचरण बोल लिया, वो बाबूजी कहता है आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि यात्रा सफल हो। अब हमने कोई खास जवाब नहीं दिया, मैं इसने की कमाई कुछ
कुछ गर्दन सी हिलाकर हम मैं चुप हो गया। अरे वाह, अब 20वीं सदी में, 21वीं सदी में और ऐसे विचारों के लोग शेष हैं? कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया, सब तक खोज मार कर ली है, कहीं भगवान नहीं। मजमा देख बुद्धू आदमी, इसको गुण के समझाओ बताए दो, सुने नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत फिट होगी। तो ऐसी स्थिति आ गई इस शिक्षा से, लेकिन ये शिक्षा अब अनिवार्य थी। अब इस भूल को मिटा दिया जाएगा, जो भूल हमारे लगा दी इस शिक्षा ने, जिसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ भिन्न ज्ञान भी होता है। तो ये तत्व ज्ञान भी विज्ञान है, जिस विज्ञान ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अब ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान हमें फिर से आबाद कर देगा।